नशा सेवन करने वालों के विरुद्ध पुलिस का अभियान। मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम भंजी थाना झगरा खाड़ का महेंद्र सिंह वाहन क्रमांक टाटा सफारी सफेद रंग वाहन CG10V5002 में अधिक मात्रा में अपने साथियों के साथ उड़ीसा राज्य से मादक पदार्थ गांजा लेकर बिक्री करने के लिए खड़गवा चिरमिरी मार्ग से मनेन्द्रगढ़ जाने वाला है एवं साइबर सेल आर प्रिंस रॉय के साथ टीम गठित कर शासकीय प्राइवेट वाहन एवं मोटरसाइकिल से रात्रि में ही चिरमिरी खंडगवा मार्ग में नाकाबंदी की गई। सुबह भोर में वाहन क्रमांक टाटा सफारी सफेद रंग वाहन CG10V5002 में खड़गवा तरफ से भूख भूखी घाटी में आती दिखी, जिसे घेरकर रोका गया। आपको बता दें कि पकड़ाए गए वाहन में बैठे तीन व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने शंका होने पर भागने से पहले ही गाड़ी को पकड़ लिया। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के पीछे सीट के नीचे 13 पॉकेट में 67.400 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला, जिसकी कीमत करीब 7 लाख की होगी। पूछताछ करने पर मुख्य आरोपी महेंद्र सिंह ने बताया कि बोलेरो क्रमांक CG10NA7691 में भी उसके साथी गांजा लेकर कोरबी पसान मार्ग से आ रहे हैं, जिसकी सूचना तत्काल थाना प्रभारी खड़गवा को देने पर उन्होंने अपनी टीम के साथ पौड़ी हेह में घेराबंदी कर बोलेरो क्रमांक CG10NA7691 को चेक करने पर शीट के नीचे छुपा कर रखा। 4 पॉकेट गांजा मादक पदार्थ 89.800 किलोग्राम मिला, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं एक पुलिस में कार्यरत आरक्षक भी तस्करी में शामिल था, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं कुल मादक पदार्थ गांजा 1 टन 37 किलो कीमती 14 लाख अवैध परिवहन से उपयुक्त वाहन टाटा सफारी बोलेरो की जुमला कीमत 1 लाख रुपए जब्त किया गया है। वहीं चिरमिरी पुलिस और खड़गवा पुलिस की संयुक्त कार्यवाही से क्षेत्र में गांजा की खेप को खपाने को रोकने में सफलता पाई है। वहीं सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया। कल 21 तारीख की रात्रि में मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि उड़ीसा तरफ से कुछ बोलेरो और कुछ दो गाड़ियों में आ रही है गांजा। इसकी सूचना के आधार पर थाना प्रभारी अश्वनी सिंह चिरमिरी, पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों को दिए। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम गठित किया गया। इस टीम में थाना प्रभारी अश्वनी सिंह और थाने का उसका टीम था। एक टीम और बनाया गया, जिसमें थाना प्रभारी खड़गवा विजय सिंह थे, उनके साथ एक टीम दो प्लस उनके साथ स्टाफ जितेंद्र मिश्रा सुरेश विनय सब थे। एक गाड़ी ये रात भर अपना नाकेबंदी की अपनी टीमों को साथ में। एक टीम हमारी भूखी घाटी के पास में थी, इसमें TI चिरमिरी थे। सुबह भोर में एक गाड़ी जो मुखबिर द्वारा बताया गया था टाटा सफारी CG10V5002 दिखी उनको, उसको घेराबंदी किए। जैसे पुलिस को देखे वो भागने का प्रयास किए, लेकिन पुलिस दबोच ली और उसमें 3 व्यक्ति बैठे थे। गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी पीछे सिल्ली नुमा एक बनाए हुए थे, उसमें करीब 13 कट्टे थे उसमें, और उसमें सब गांजा लगे रखे हुए थे। उनको तौलाने पर गांजा करीब 67 किलो 400 ग्राम का गांजा अवैध रूप से रखा परिवहन करके पाया गया, जिसकी कीमत अनुमानित करीब 7 लाख की होगी। साथ में एक वाहन टाटा सफारी करीब 11 लाख की थी, उसको भी मौके में जब्त किया गया। इसी बीच में जो आरोपी हम यहां पकड़े थे 3 थे, उसमें से भैयालाल, अशोक और महेंद्र, इनसे पूछताछ में बताया कि एक गाड़ी और है जो बोलेरो पीछे आ रही है। उस आधार पर थाना प्रभारी विजय सिंह को भी अलर्ट कर दिया गया कि एक और पीछे गाड़ी आ रही है। उनके द्वारा कोड़ी डी के पास में वो गाड़ी मिली, जिसको उन्होंने रोके, उसमें भी 3 व्यक्ति थे, और उस गाड़ी की तलाशी लिए तो सीट के नीचे उनके पास भी करीब 13-14 कट्टे थे, जिसको तोलने पर करीब 70 किलो अवैध गांजा रखा होना पाया गया, जिसकी भी अनुमानित कीमत 7 लाख की आकी गई है। और साथ में एक जो बोलेरो गाड़ी थी, जिसका नंबर CG10AN7651 थी, उसको भी मौके में जब्त किया गया है। और बोलेरो में जो आरोपी थे खड़गांव में जो पकड़े गए, उसमें गुलशन साहू,
राज